नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरित्र ज्ञान में। दोस्तों, धनतेरस के दिन गौ माता को खिला दीजिए यह एक चीज, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पशु पक्षियों को अन्न खिलाने की प्रक्रिया बरसों से चली आ रही है, और ऐसे में खासकर धनतेरस से लेकर भैया दूज तक गाय माता को यह खास चीज खिलाने का मतलब माता लक्ष्मी की अपार कृपा पाना होता है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन गौ माता को यह एक चीज खिलाने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर होती है। जी हाँ दोस्तों, वो चीज और कोई नहीं बल्कि हरा चारा है। जी हाँ, शास्त्रों के मुताबिक धनतेरस से लेकर भैया दूज तक गौ माता को हरा चारा खिलाने का बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में जब बात भोग लगाने की आती है तो अगर धनतेरस के दिन 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के जरिए भोग लगाया जा सके तो आप ही बताइए इससे बड़ा पुण्य लाभ क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप धनतेरस से लेकर भैया दूज तक गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाइए। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।